अच्छा जी, पहला क्वेश्चन था अल्फा बीटा वाला, सेकंड वाज एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट ए बी, थर्ड वाज फोर टू द पावर टी, एंड द लास्ट वाज ए सी बी सी वाला। ये कोफिशिएंट्स आर रियल, नॉन रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और ए प्लस सी की वैल्यू आपको लेस देन बी दी हुई है। हाँ जी बताइए, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो अगर इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, आपका आंसर किसी का भी आया हो तो नॉट प्लस सी इज इक्वल्स टू सी दिया हुआ, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा। सर इसका सी आ रहा था। करेक्ट बात है, कैसे किया रिस्ट्रिक्शन सर? इसमें मैंने वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा निकाल लिया, और फिर जब सेकंड वाली को सिंपलीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा और अल्फा बीटा आ जाएगा, बस उसमें वैल्यू पुट कर देंगे उसकी और सर सिंपलीफाई करके आ जाता है। हेलो आयुष। यस सर। काफी दिन बाद दिखा क्लास में, क्या बात है? सर आउट ऑफ सेशन था। देखिए वीडियोस के नहीं कुछ क्या चल रहा था? एक दो देखिए बस। तो हम लोग यार स्लोली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक पहुंच चुके हैं। ओके, तो हमने दिया था क्वेश्चन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी है, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। यू नीडेड टू फाइंड द रूट्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी, आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने थे। व्हाट विल बी द रूट्स? सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन पे आते हैं, ये इक्वेशन यही तो है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। मेरे को दिया गया है इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कैन आई रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एज दिस? भाई इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो यानी कि x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा, इसका रूट बीटा है तो यानी कि x माइनस बीटा भी इसका एक फैक्टर होगा। तो क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकता था x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा? सपोज मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए, क्या होगा, मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है और आपसे बोला गया कि भाई इसके रूट वन और थ्री है, तो आप क्या करेंगे? आप लिख देंगे इसको x माइनस वन इंटू x माइनस थ्री। ऐसी मैंने इसको लिखा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स अल्फा बीटा थे, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मैं इसको लिख सकता हूँ। नाउ दिस माइनस सी अगर मैं इसको उधर भेजता हूँ तो ये बन जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी।
ध्यान से देखो, इसी एक्सप्रेशन के तो रूट पूछे गए हैं, तो इसके रूट ए और बी हो गए यहां से। बस इतना ही काम करना था वैसे तो। सबसे पहले तो हमें अपने रूट्स को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेना था, जो इनिशियल कंडीशन दी हुई थी, जो इनिशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी उसको मैं लिख सकता था x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, माइनस सी को दूसरी साइड चेंज करा, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई जिसके रूट्स निकालने, उसकी वैल्यू आ रही है x माइनस a इनटू x माइनस b के बराबर। यही तो फाइंड आउट करना था, तो इसके रूट्स होंगे a एंड b। विशेष बजाय पूरे रूट्स निकालने के बस हम ये यूज करते हैं ना, तो आ जाता आंसर हमारा जल्दी। ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट्स है रियल। अगर इसके रूट्स रियल तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर का मतलब वन स्क्वायर माइनस फोर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है इस केस में, यानी कि मैं बोल सकता हूँ फोर ए बी लेस देन इक्वल टू वन है, राइट। मुझे क्या चाहिए था इसके बाद, मुझे चाहिए था इसके बाद इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे ये चेक करने के लिए। आंसर आया इसका बाय द वे किसी का? चलो तो हमने इसके रूट्स चेक करने के लिए फिर से बी स्क्वायर माइनस फोर एसी लगाना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस फोर एसी लगाया तो ये बना 16 ए बी माइनस 4 इंटू ए सी मतलब 4। मुझे चेक करना है ये वैल्यू कैसी होगी, 4 ए बी की हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकती है, 4 ए बी की हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकती है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 ए बी माइनस 4। राइट, थोड़ी सी गड़बड़ थी क्वेश्चन, क्वेश्चन यही था ना रूट्स आर रियल, सिर्फ इतना दिया हुआ था ना, तो यहां पे देना चाहिए था रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि अभी देखो अगर आप 4ab की हाईएस्ट वैल्यू रखते हो दैट इज 1, तो ये आंसर आ जाएगा 0, और 0 के केस में इसके रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। बट अगर 4ab की वैल्यू आप 1 से छोटी कुछ और रखते हो तो इसके रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी आ जाएगा। सर ये डाउट था मुझे भी सर, तो मेरा इसलिए डुअल आंसर आ रहा था, इक्वल भी आ रहा था और लेस भी आ रहा था। सही बात है, अभी इसके हिसाब से तो वही आना चाहिए सर, अब तो हो जाएगा इमेजिनरी, अब इमेजिनरी हो जाएगा। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलते हैं, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए थी, यानी कि 4ab की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए थी। तो x स्क्वायर माइनस 4 रूट ab x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि बनता 16 ab माइनस 4 तो अब मैं 4ab की वैल्यू क्योंकि हमेशा 1 से छोटी होगी,
तो आप उसी इक्वेशन में देख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 AB की वैल्यू लेस देन 4 होगी, यानी कि 16 AB माइनस 4 लेस देन 0, व्हिच इज दिस। तो रूट्स होंगे इसके इमेजिनरी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट टी वाला था ना, ओके। थर्ड क्वेश्चन वाज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली, बस ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, रिड्यूसिबल इक्वेशंस होती हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूशन के बाद रिड्यूस कर सकते हैं। मैं रात इस फर्स्ट क्वेश्चन, कोई बचा है? लास्ट टू में थर्ड वाला एक तो समझ नहीं आया, फोर्थ वाला सा ट्राई किया बट वो बीच में अटक गया मैं। थर्ड वाला ही ऐसा क्वेश्चन था जो वैसे होना चाहिए था, मतलब होना चाहिए था। चल देखते हैं, आज चेक करते हैं। तो थर्ड था फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच वी हैव टू फाइंड ए फॉर व्हिच 4 टू द पावर टी माइनस a minus 2 a minus 4 into 2 to the power t plus 9 by 4 a is less than 0 for all t belongs to 1 to 2 hai na to batana tha। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देखो, 4 की पावर टी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 स्क्वायर की होल पावर टी, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2t, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर टी का होल स्क्वायर। देख लो ये सारी चीजें एक ही बात, मतलब क्वाड्रेटिक बन जाएगी। नाउ पुट दिस 2 की पावर टी इज इक्वल्स टू एक्स, तो आप ध्यान से देखिए जरा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 4 की पावर टी, माइनस ये बन जाएगा ए माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 9 बाई 4 इंटू ए लेस देन 0। 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को दोनों साइड, ये बनेगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए माइनस 4। चलो नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये 4 कैंसिल ही हो जाएगा, 4 इसी में बात। अच्छा, t की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में दी हुई है, जब t की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू 2 होगी, और जब t की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 4 होगी। तो t बिलोंग्स टू 1 टू 2 सॉल्व करनी है, हमें क्वाड्रेटिक लेस देन 0 चाहिए। एम आई ऑडिबल? नहीं सर, आपका नेट एकदम चला गया था और अभी स्क्रीन में नहीं दिख रही थी। अच्छा ठीक है, तो पहली बात तो मैंने ये एक्सप्लेन करी थी कि देखो हमें यहाँ पे गिवन था टी जो है हमारा, टी वेरिएबल दिस इज बिटवीन 1 टू 2। ओके, जब टी 1 से 2 के बीच में होगा तो एक्स की वैल्यू होगी, टी की वैल्यू 1 रखूंगा तो एक्स बन जाएगा 2 की पावर 1 व्हिच इज 2, और जब t को मैं 2 रखूंगा तो x बन जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन कि जब t की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में, ठीक है जी। हमें ये चाहिए कि fx जो हमारा ये बन रहा है, जो भी एक्सप्रेशन है ये ft या व्हाटएवर, दिस इज लेस देन 0, राइट?
यही जानना था ना हमें। यस सर। चलिए तो ये एफ एक्स मुझे चाहिए लेस देन जीरो, अगर एफ एक्स चाहिए लेस देन जीरो तो एफ एक्स लेस और एक्स की वैल्यू टू से फोर के बीच में, एक्स की वैल्यू टू से फोर के बीच में, आपने वेवी कर्व पढ़ा है, इसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स आ रहे होंगे जो भी आएंगे, पहले तो समझो इस क्वेश्चन, इसके कुछ ना कुछ जरूर फैक्टर्स आ रहे होंगे, इसका डी निकाल लेते हैं इस एक्सप्रेशन का से। मुझे एक्सप्रेशन लेस देन जीरो चाहिए जब एक्स की वैल्यू टू से फोर के बीच में, एक्स की वैल्यू टू रखो, एक्स की वैल्यू टू रखो तो टू पे भी ये नेगेटिव ही आना चाहिए और फोर पे भी ये नेगेटिव ही आना चाहिए, राइट। जब मैं एक्स की वैल्यू इसमें टू रखूंगा तो एक एक्सप्रेशन बनेगा, जब एक्स की वैल्यू फोर रखूंगा तो भी एक एक्सप्रेशन बनेगा, दोनों से एक ही कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी, हम देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन आ रही है कि वैल्यूज, बट उससे पहले अगर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा या x प्लस अल्फा और x कुछ भी ले लो माइनस ही लेता हूं, ये मेरे को दिया गया है लेस देन जीरो, जस्ट गिव मी वन मिनट गाइस। हाँ जी, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन जीरो अगर मेरे को दिया गया है और मैं वेवी कर्व इस पे लगा रहा हूँ तो कोई वैल्यू एक बनेगी अल्फा, कोई सी भी एक छोटी कोई सी भी एक बड़ी वैल्यू है, जनरल कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ मैं आपको। तो अगर हम इस पे लगा रहे होते वेवी कर्व तो वेवी कर्व लगाते तो ये प्लस से स्टार्ट होता, प्लस माइनस प्लस, अल्फा से बीटा के बीच में नेगेटिव हो सकता था, राइट, अल्फा से बीटा के बीच में ये नेगेटिव हो सकता था। तो अगर मैं इसको 2 से 4 के बीच में नेगेटिव देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2 पे भी, मतलब 2 से 4 के बीच में नेगेटिव है, तो 2 पे भी नेगेटिव होना चाहिए और 4 पे भी नेगेटिव होना चाहिए, या एक ही वैल्यू, या ये जीरो बन जाए उस केस में, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एफ टू बनाऊंगा और एफ फोर बनाऊंगा और उन दोनों को पुट करने की कोशिश करूंगा कि वो दोनों देखते हैं क्या बनते हैं। जब मैं इसमें एक्स की जगह टू रखता हूँ तो ये बनेगा टू टू जब फोर माइनस, ये बनेगा टू टाइम्स ए माइनस फोर प्लस नाइन बाई फोर ए शुड बी लेस देन जीरो। आंसर सॉल्व करा, फोर माइनस टू ए प्लस एट प्लस नाइन बाई फोर ए लेस देन जीरो। सॉल्व करने पर 9 बाई फोर ए माइनस टू ए में बनेगा a बाई फोर प्लस के 12 इज लेस देन जीरो। तो ये मैंने सॉल्व करा, a की वैल्यू आई भाई माइनस 48 से छोटी पहले केस में। जब f4 x की वैल्यू इसमें मैंने 4 पुट करी तो भी मैं देखना चाहता हूँ ये नेगेटिव बन पाएगा कि नहीं, 4 की वैल्यू पुट करी तो ये बना 16 माइनस 4a प्लस 16 प्लस के 9 बाई 4a लेस देन 0। इसको सॉल्व करा 32 आया, 16 माइनस के 7a बाई 4 प्लस के 32 इज लेस देन जीरो। इसको इधर लेके आया, मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ए की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 128 बाई 7। देखो यही प्रॉब्लम है, टू पे तो ये कह रहा है कि भाई ए माइनस 48 से छोटा होना चाहिए तब ये एफ टू पे लेस देन जीरो हो सकता है, फोर पे हमसे ये कह रहा है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 128 बाई 7 होनी चाहिए तब ये यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, राइट।
आप टू से फोर के बीच में निकालेंगे तो भी कुछ एक ही कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी। सपोज आप थ्री पे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं इस चीज को, बट टू और फोर पे कैलकुलेट करने का तरीका बेस्ट था कि हम एफ टू और एफ फोर को दोनों को लेस देन जीरो रखते हैं। और यहाँ पे मैं देखने को मिल रहा है कि एक बार एक को कह रहे हैं 48 से छोटा लो, एक बार एक को कह रहा है 128/7 से बड़ा लो, बीच में भी कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। इन्हीं दोनों वैल्यू से मुझे पता चल जाता है कि एक ही कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए टू से फोर के बीच में नेगेटिव हो जाए, क्योंकि इस दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा। एक ही वैल्यू -48 से छोटी या एक ही वैल्यू 128/7 से बड़ी, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। -48 कहीं जीरो से छोटी आ रही होगी, 128/7 कहीं जीरो से बड़ी आ रही होगी। एक बार ये चाहता है एक को -48 से छोटा लो, एक बार ये चाहता है एक को 128/7 से बड़ा लो। मुझे तो ऐसा ये बताना था जो हर केस में टू से फोर के बीच में वैल्यू को नेगेटिव रखे। एक भी ये नहीं आएगा ऐसा जो हर केस में इस एफ एक्स को नेगेटिव बना के रखे, यानी कि देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव इन बिटवीन टी की वैल्यू 1 से 2। ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था, इसीलिए सब्जेक्टिव पार्ट में तुम्हें दिया था कि आपको ये सोचना था कि हमें अगर ये 2 से 4 के बीच में। हाँ हाँ बोलो सर। मैं कह रहा था सर, ये आपने यहाँ तक समझ आ गया था, आपने एक ही दो वैल्यू को निकाल दी, फिर सर समझ नहीं आया। अब देखिए इसमें ये लिख रहा हूँ, देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉसिबल, देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ ए, इनके बीच में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। भाई हमें एक ही तो वैल्यू कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी ना ऋषिक, ऐसे समझ। हमें ए कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए ना कि जैसे मान ले ए की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रख देते हैं हम, सपोज ऐसे समझ। तो ए की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आप कुछ भी रखते हैं तो ये एक्सप्रेशन, जब आप एक्स को 2 से 4 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव बना रहेगा। बट मुझे ऐसा ये बता जिसके लिए नेगेटिव बन जाए एफ टू भी और एफ फोर भी, बता कौन सा है। सर नंबर लाइन पे दोनों अलग अलग हैं, वो लेस देन वो भी और ग्रेटर देन वो भी है, तो बीच में नहीं है कोई भी वैल्यू इनकी, पॉसिबल ही नहीं है कॉमन। मुझे तो ए ऐसी वैल्यू देनी है कि वो 2 से लेकर 4 के बीच में हर जगह फिर नेगेटिव देता रहे। आप एक्स को चाहे 2 रखो, 3.25, 2.9, 2.7, 3, 3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 4, कुछ भी इसमें से रखोगे। ऑल्दो 2 और 4 रखने की जरूरत नहीं थी, बट वहीं से हमें पता चल जाता है कि ये वैल्यू तभी नेगेटिव बन सकती थी जब ए की कोई कॉमन वैल्यू आती जो कि सारे 2 से 4 के बीच में इसको नेगेटिव बना देती। सो देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द टू कंडीशंस, हेंस द एक्सप्रेशन कैन नॉट बी नेगेटिव for t belongs to 1 to 2। सर पॉजिटिव भी नहीं हो सकती थी क्या एक्सप्रेशन की वैल्यू? हाँ सर पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी रहेगी। नहीं सर मैं कह रहा हूँ ए के लिए कोई वैल्यू भी नहीं होगी ना 1 से 2 के बीच में t belongs to। हाँ, जो जब 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 t 1 से 2 के बीच में होगा तो ए की कोई वैल्यू ऐसी नहीं आ रही होगी जो इसको नेगेटिव बना। ओके सर ऐसा हो सकता है कि टी की वैल्यू अगर हम चेंज करते तो हमें शायद कुछ मिल जाता, दिस इज पॉसिबल। हाँ सर तब तो सर क्वेश्चन अलग हो जाता। बिल्कुल
हाँ जी नोट हो चुका है, कैन आई रफ दिस? सर ऐसे क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए पेपर के टाइम? पेपर के टाइम तो ऋषिक बस एक ही चीज मैटर करती है कि हमें वो क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर देख हमें आ गया क्वेश्चन, हमें बात समझ आ गई, तो वो क्वेश्चन ज्यादा देर का नहीं होगा। क्वेश्चन होगा 3-4 मिनट का मैक्सिमम, अच्छा 5 मिनट का। अगर नहीं आया तो इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग था, हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। लड़ना नहीं है वहां पे बैठ के, वहां तो 3-4 मिनट से ज्यादा देने ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन को। ये हैबिट बना लो। अभी टेस्ट वगैरह तो हो रहे होंगे तुम्हारे? हाँ सर, वही सर टाइम मैनेजमेंट इशू हो रहा है तभी पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि 40 क्वेश्चंस करने हैं 1 आवर में हमें स्कूल में। कितने? 40 करने हैं 1 आवर में स्कूल में। हाँ सर, तो स्कूल में तो इजी एमसीक्यू आते होंगे? नहीं सर, वही तो सर, नहीं सर, चक्कर क्या है सर, सीबीएसई ने जब पैटर्न बदला है जब से, तो सर वो स्कूल में क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पेपर्स ही हैं उसमें जो 5 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चंस भी हैं उन्हें भी एज एमसीक्यू दे दे रहे हैं। ठीक है ना, पूरे मेथड से नहीं करने सॉल्व? नहीं सर, लेकिन शॉर्टकट यूज करूं? हाँ सर वही सर, लेकिन फिर भी जैसे सर फिजिक्स का आज मेरा बेयरली पूरा हुआ, मतलब अच्छा, 1 घंटे में दे रहे हैं 40? हाँ तो वो तो यार फिर थोड़ी प्रॉब्लम है, 1 घंटे में 40 को तो नहीं कर सकते। ये तो पैटर्न ही गलत हुआ ना यार, ये तो पैटर्न ही सही नहीं है फिर। हाँ सर, तो अब हमने बोला है सर, वो कह रहे हैं कि 15 मिनट हम एक्स्ट्रा दे देंगे। हाँ सर, तो कम से कम 1.5 घंटे चाहिए इस पेपर को करने। सर वही मैं सर कह रहा हूँ ना सर, कोई सुनता ही नहीं है सर स्कूल में हमारे। 15-20 क्वेश्चन तो चलो इजी होते हैं सर, 40 हैं पूरे पूरे। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि चल 15-20 क्वेश्चन तो वही होंगे 1 मार्कर और 2 मार्कर वाले, तो वो तो बेसिक ही होते हैं, या 20 से भी ज्यादा ही होंगे वैसे तो, वो 25-26 के राउंड होंगे। बट जो वो बचे हुए 10-15 क्वेश्चन होंगे वो तो थोड़े लेंथी होंगे, अगर इस तरीके से दे रहे हैं, उसी पैटर्न पे दे रहे हैं पेपर को। हाँ सर वही सर, हमारे टीचर्स भी कह रहे हैं क्योंकि सैंपल पेपर नहीं आया, तो खुद ही कह रहे हैं कि प्रैक्टिस ज्यादा शॉर्टकट की करो, क्योंकि 5 मार्कर और 3 मार्कर जो लेंथी है बी और सी सेक्शन और डी सेक्शन वो ऐसे ही दे दे रहे हैं। हाँ वही, सीबीएसई ने 1.5 घंटा दिया है तो वो सही दिया है। देखो 1.5 घंटा सीबीएसई की तरफ से अगर, तो मतलब 1.5 ही घंटे का पेपर होना चाहिए मेरे हिसाब से भी, कि भाई आप 1/2 घंटे में पहले अपना वो वाला सेक्शन निपटा दो, 1 मार्कर और 2 मार्कर वाला, और उसके बाद आप 1 घंटे में पूरा ये खत्म कर दो, या चलो ऐसा कर लो कि 40 मिनट्स और 50 मिनट्स दे दो, 40 मिनट्स में पूरा 1 मार्कर और 2 मार्कर खत्म कर दो। सर चक्कर 50 मिनट्स उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया ना, कोई सिर्फ 12th के लिए किया तो वो लोग वैसे, इसलिए तो केस बेस तो इजी होता है आयुष वैसे जनरली। केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो आजकल चले हैं 10th और 12th के लिए, वो तो काफी इजी होते हैं, उन्हें मत छोड़ के आया करो। उसमें तो मतलब कोई मतलब भी नहीं होता कोई केस से। आजकल मैं करा रहा हूँ ना 10th और 12th वाले, 10th वाले तो बहुत इजी थे सर, जो बहुत इजी थे 10th वाले तो सर, वो 10 मिनट में पूरा निपट जाता था सेक्शन ए। बिल्कुल 12th में भी इजी आते हैं केस बेस्ड, मतलब उसमें केस बेस्ड में वो आपसे पूछता वही जानना वही चाहता है, वो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है वो पूरा। सर हमारे तुम्हारा नहीं पता तुम्हें कैसे दे रहे सर, स्कूल के हमारे फिजिक्स पेपर में तो सर ने कुछ वैसे भी डाल दिए कंपटीशन लेवल के, क्योंकि सर एमसीक्यू ने, सर उन्हें एमसीक्यू मिले नहीं होंगे तो सर उन्होंने थोड़े वहां से डाल दिए। ये गड़बड़ है, ये नहीं खेलना चाहिए बस। तो यार देख यही होता है रूल इसका, तो अटेम्प्ट करने का पेपर कि भाई अपन को भिड़ना नहीं है उधर, जितना भिड़ना यहाँ बैठ के भिड़ लो, घर पे बैठ के भिड़ लो, उधर तो कोई मतलब ही नहीं है। उधर तो अपने को मैक्सिमम अटेम्प्ट देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत इजी होंगे, अगर आप अटके रह गए पहले क्वेश्चंस पे पूरा पेपर तक जाना है, और उसके बाद टाइम भी बचना चाहिए, लाइक हाफ एन आवर
का टाइम आपके पास बचा होना चाहिए, आपको 2.5 आवर्स में खत्म कर देना है 75 questions. मतलब सारे नहीं कर रहे हो आप, ऑब्वियसली सारे तो होंगे ही नहीं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन होते जा रहे, जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट दे पा रहे हो दो, बट ये चीज प्रैक्टिस पेपर्स टेस्ट इन सब से समझ आएगी आपको कि आपको कैसे करना है ये काम. ऐसे नहीं कि हमने सोच लिया हम पूरे पेपर के एंड तक पहुंच जाएंगे. लाइक वी शुड बी एबल टू गेस विद इन 10 to 15 seconds कि हमें क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, whether we are going to leave this question or we are going to attempt this question. Because if you are रेडी टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन तो आपको 2 से 3 मिनट तो मिनिमम देना ही पड़ेगा. 2 मिनट बहुत, ऐसा भी है कि बहुत बार बहुत आसान क्वेश्चन आ जाएगा, बट लाइक आप मान के चलो कि 2 से 3 मिनट तो आपको उस क्वेश्चन पर लगेगा सफिशियंट प्रैक्टिस के बाद. तो इसलिए एमसीक्यू में सर कुछ क्वेश्चन सेकंड्स में जाते हैं बट कुछ में टाइम होता, तो एवरेज आउट होके 1 से 2 मिनट ही होता है. 3 मिनट लगा के चलो, इनफैक्ट 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट, 3 मिनट पर क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन. एनडीए के पेपर नहीं, नहीं एनडीए का पेपर इजी होता है काफी, फॉर्मूला बेस्ड होता है, आपको कुछ ज्यादा उसमें तोड़ काम नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन में सोचने का तो खेल ज्यादा होता नहीं है, सिंपल पेपर होता है एकदम एनडीए का. मतलब ऐसे समझ ले के जेई एडवांस का 60% डिफिकल्टी या 50% डिफिकल्टी का पेपर होता है, बोर्ड्स और जेई एडवांस के बिल्कुल मिड में कहीं आता है, तो टफ नहीं होता एनडीए का पेपर. फिर यूपीएससी का थोड़ा, यूपीएससी सर उसमें भी जनरल वो पूछता है ना यूपीएससी, ये तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं. यूपीएससी का बेसिकली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है. हाँ सर उसमें सर चूज कर सकता है ना, तो सर उसमें मैं बोल रहा हूँ सर जनरल स्टडीज में साइंस वाले सेक्शन में मैथ्स भी पूछते हैं बेसिक. एनडीए की बात कर रहे नहीं सर, जो आईएएफ. अच्छा, मतलब जो इनका एप्टीट्यूड अभी शुरू हुआ है. हाँ उसमें मेरे को पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं उसका पेपर, तो बट मोस्ट प्रोबेबली उसका एप्टीट्यूड का पेपर जनरली होता है. एनडीए में काफी चीजें आती हैं, नॉट जस्ट एसएसटी, उसके अलावा करंट अफेयर्स ज्यादा मेजर होते हैं, जैसे अभी जो हो रहा है करंट अफेयर्स भी आता है और वो सब का. जनरल नॉलेज नहीं, ये इसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, नॉट जनरल नॉलेज. इंटरव्यू काफी मुश्किल होते हैं, नो डाउट. चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेडिकली अनफिट तो नहीं हो. तो शाहरुख खान निकल गया था एनडीए के एसएसबी से, उसके पैरों में प्रॉब्लम थी, उसमें चेक होता है काफी चीजें. काफी चीजें होती हैं, नॉट जस्ट मतलब आईसाइट भी होती है, अंदर अंदर के भी चेकअप होते हैं, क्या है बॉडी का सीन, मिट्टी ट्रेनिंग जेल का होगी कि नहीं, वो सब. एंड देन पैर वैर का भी कुछ चक्कर होता है, फिर आई साइट में तो कलर ब्लाइंडनेस भी होती है. लाइक मैं कलर ब्लाइंड हूँ तो मैं तो एसएसबी देने नहीं गया था, ऑल्दो वो रीजन नहीं था एसएसबी देने का, बट घर वालों ने मना कर दिया, क्यों जा रहे हो, फायदा तो है नहीं कुछ, जेई की तैयारी करो चलो. पर हाँ काफी होता है इसका मेडिकल का सीन भी, मेडिकल में बट बहुत कम परसेंटेज आउट होता है ऐसा. पर हाँ अगर कोई मेडिकली अनफिट है तो होता है, मतलब मेरे को आई साइट का पता नहीं, वैसे लिखा होगा, देख लियो चेक कर लियो उनकी साइट पर लिखा होगा आई साइट का भी क्या सीन है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज के भाई हमें दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं नॉन रियल कॉम्प्लेक्स
ना क्या तुम्हें याद है टेंथ की कुछ बातें? तुम्हें टेंथ में ग्राफ पढ़ाया गया होगा सभी लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। हाँ सर, मैं भी पढ़ाऊंगा इस। अब हम जस्ट नेक्स्ट चीज जो है वो ग्राफ ही पढ़ने वाले हैं, और ग्राफ के साथ साथ कुछ और चीजें। बट ग्राफ आपने पढ़ा होगा, क्या मैं ऋषिकेश को रख कर सकता हूँ? हाँ सर, हाँ सर, सॉरी सर, भूल गया। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो ग्राफ, आप मुझे बात बता सकते हैं? मतलब आपको पता होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। बता सकते हैं नहीं, ये तो अलग बात है। क्योंकि देखो, हमने ग्राफ बना के देखे थे, टेंथ क्लास में सिखाए जाते हैं सबको ग्राफ, छह के छह ग्राफ दिखाए जाते हैं, और आपको सिक्स टाइप्स के ग्राफ बन सकते हैं हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा पैराबोला, तो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे बाद में लिखना, पहले समझ लो, इसके टॉपिक के बाद फिर से लिखना, ये मुझे इसके बाद बताना था। ये ग्राफ आएगा हमेशा पैराबोला, इसका तो केस स्टडीज भी आती थी, फ्लाईओवर वाली, फ्लाईओवर की शेप पैराबोला ही होती है। तो छह तरीके का ग्राफ बन सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ग्राफ बनता है पैराबोला, पैराबोला दो तरीके का, पैराबोला वैसे तो कई तरीके का हो सकता है, बट यहाँ पे जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आज तक पढ़ के आए हो, उनका ग्राफ बनेगा या तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मतलब पैराबोला होता है कुछ इस शेप का, तो इसका फेस जिस तरफ वैसी इसकी शेप, मतलब वैसे इसका नाम। अगर इसका फेस ऊपर की तरफ, फेस इज बेसिकली इट्स माउथ जो ऊपर की तरफ बना हुआ है, नीचे से तो बंद है, सो माउथ अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर ये नीचे है तो दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, एंड दीज आर साइडवेज पैराबोला, ऐसे भी बन सकते हैं साइडवेज। अभी आपके जब हम पैराबोला पढ़ेंगे तब आएंगे, उससे पहले अभी तो अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला है। सो अपवर्ड पैराबोला इज बेसिकली तब बनता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, fx = ax² + bx + c, अगर a है ग्रेटर देन 0 तो इसका ग्राफ तीन तरीके का बन सकता है, बनेगा तीनों केस में अपवर्ड पैराबोला। अगर इसका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब ग्राफ यहां से लेके इधर से कहीं तक भी, इधर तक कहीं भी हो सकता है, मैं तो जनरल शेप की बात कर रहा हूं। या तो ये ग्राफ दो बार कट करके जा रहा होगा हमारे x एक्सिस को, या तो ये ग्राफ टच करके जा रहा होगा एक्स एक्सिस को, या तो ये ग्राफ कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस होगा। और आपने लास्ट ईयर पॉलिनोमियल्स के अंदर पढ़ा था कि हमारा कोई भी ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करता है उसके उतने ही। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, ये ग्राफ आप शुरू ही कराने वाले थे, आपने क्या बताया? अच्छा, तो हमने ये बताया अभी तक कि ग्राफ अगर हमारे पास गिवन है, मतलब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है पैराबोला, एंड आई एक्सप्लेन कि कैसी कैसी शेप होती है पैराबोला की। लाइक ये है अपवर्ड पैराबोला, अगर इसका फेस ऊपर की तरफ है, देन दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला अगर फेस नीचे की तरफ है। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में दी होगी और इस तरीके का ग्राफ बना रहे हैं, तो इसके दो ही ग्राफ बन सकते हैं, या तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। Although, हम जब पैराबोला चैप्टर पे आएंगे, इस बार हमारा पैराबोला एक चैप्टर है, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि ये भी ग्राफ बन सकते हैं, दैट इज साइडवेज पैराबोला, दिस इज, दीज आर साइडवेज पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इस तरीके से हम इनको बोल देते हैं। बट अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होती है उनके हिसाब से तो हमारे पास अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला ग्राफ आएगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स फेस, जिधर फेस ओपन हो रहा है वैसे ही ग्राफ का नाम दे देते हैं। तो अगर अपवर्ड पैराबोला की बात करें, तो अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो तीन तरीके के ग्राफ पॉसिबल है, या तो ये बन सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब या तो ये बन सकता है जो दो पॉइंट पर कट करके जा रहा हो, या तो ये बन सकता है जो टच करके जा रहा हो, या तो ये बन सकता है जो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस। अब आपने टेंथ क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि जितनी बार भी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने ही होंगे रूट्स, अगर आपको याद हो पॉलिनोमियल्स के अंदर। आपकी पहली एक्सरसाइज वाज ऑल अबाउट दिस कि आपको ग्राफ दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कितने रूट्स हैं, तो अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं तो इस केस को आप बता सकते हैं क्या कितने रूट्स हैं इसमें? दो। दूसरे वाले में? वन। थर्ड? नो रियल रूट।
नो रियल वैल्यू। तो क्या आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारी जो भी ये एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी ये जीरो के बराबर नहीं बनेगा, राइट? यहां पे एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी, जब नीचे आ रहा है तो एफ एक्स नेगेटिव हो रहा है, जब ऊपर है तो एफ एक्स पॉजिटिव है। तो ये था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये था रियल एंड इक्वल रूट्स। रूट तो इसके भी दो ही है पर दोनों इक्वल है। और ये था नो रियल रूट। और सेकंड केस होता था इसमें कि डाउनवर्ड पैराबोला बन जाए। अभी लिखना मत, इसको समझ लो, ए लेस देन जीरो और डाउनवर्ड पैराबोला। जब ए लेस देन जीरो तो डाउनवर्ड पैराबोला, तो इसमें भी फिर से तीन केस। कौन कौन से तीन केस? इसको दूसरा ग्राफ बनाना इसके लिए, और उस दूसरे ग्राफ में मैं बना दे फिर से, इसमें भी तीन केस हो सकते हैं डाउनवर्ड पैराबोला में, या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, या तो रियल एंड इक्वल रूट्स, या तो नो रियल रूट। वही तीन सिचुएशन है। आप ध्यान से देखो, इस बार जब नो रियल रूट है यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट है, तो एफ एक्स एक्सप्रेशन हमेशा x एक्सिस के नीचे है, यानी कि एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन जीरो। इसके लिए एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो के बराबर हो जाता तो रूट सी मिल जाते, और इसमें एफ एक्स इज लेस देन जीरो। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज, हैशटैग लगा के मैं लिख रहा हूँ कि मैं क्या यहाँ पे बताना चाहता था। पहले ये दोनों ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद इस हैशटैग को लिखेंगे कि इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स, तो हमारा डी होगा लेस देन जीरो एंड एफ एक्स की वैल्यू होगी या तो ग्रेटर देन जीरो अगर ए है पॉजिटिव, लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव, या फिर एफ एक्स होगा हमेशा नेगेटिव, एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ए नेगेटिव। ये है इंपॉर्टेंट बात। सर आप फिर से एक बार बता दोगे कि ए कैसे डिसाइड करता है साइन? अच्छा, ये चीज तो वैसे तो हमें प्लॉट करने भी समझ आएगी ऋषिक, ए कैसे डिसाइड कर रहा है साइन। क्योंकि ऐसे समझ के अगर हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, सिंपल एक एग्जांपल से, बट अभी के लिए तो ऐसे समझ सकता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, राइट? तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस सर है। एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा? हाँ सर आएगा। तो एफ एक्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा? हाँ सर। तो एफ एक्स इज बेसिकली वाई, एफ एक्स ही हमारा वाई है, ये आप समझ लो। तो y का आंसर बेसिकली पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर ही ऊपर बढ़ता जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। यस सर। तो यानी कि अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो तू देख पा रहा है कि ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, और ऊपर की तरफ कहीं भी बढ़ सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। यही चीज एफ एक्स इज टू माइनस एक्स स्क्वायर के लिए देख, जब एफ एक्स इज टू माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, तो अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मतलब इस एफ एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी? हाँ सर, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। यस सर, नहीं हो सकती। तो यही डिफरेंस है कि जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव, तो ग्राफ वन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
एक्चुअली मेरे नेट में प्रॉब्लम हुई। हाँ सर वो वही लग रहा था सर, आपकी वीडियो भी फ्रीज है। एक सेकंड में बस मैं चार्ज कर अभी। वैसे मैं ऑडिबल मैं ऑडिबल नाउ? हाँ सर अब आ रही है आपको। यस सर। ठीक है, तो हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे ग्राफ के बारे में। अच्छा मैंने तेरे को ये एक्सप्लेन किया था कि ए जब पॉजिटिव होगा तब क्या होगा और जब ए नेगेटिव होगा तब क्या होगा, क्या तेरे को वो बात समझ आई? यस सर। तो वो मैंने तेरे को एक छोटे से एग्जांपल से समझाया, fx = x² and fx = -x²
उस पर तो ये चीज लगा के देख सकते हैं। ये केसेस बनेंगे, इन पे केसेस सर, तो जो इक्वेशन जिनका आंसर प्लस माइनस में आता है, मतलब एक प्लस आता है एक नेगेटिव आता है, तो सर उनका मतलब कैसे होता है, क्या होता है? ले एक ग्राफ, वो एक रूट इसका नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव। नहीं सर, तो इसमें सर ए फिर भी फिर से डिटरमिन करेगा, ए ए इसमें डिटरमिन करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि भाई ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस? देख, पहले वाले में ए की वैल्यू पॉजिटिव है, बट ग्राफ जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जा रहा है। ऐसी दूसरे वाली कंडीशन में भी ए की वैल्यू नेगेटिव है, बट ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जा रहा है। इसमें और इसमें बात कर रहा हूँ, हम कब कह रहे हैं कि ए ये थोड़ी डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमारा एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। ओपन हो रहा है उसका है, मतलब ओपन कहां से है तारा, वो फेस किस तरफ है, फेस किस तरफ है पैराबोला। ओके, तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स ने ये हैशटैग रखा, वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है और कॉम्प्लेक्स, यार ये बस मोमेंटरीली हो रही होगी क्योंकि नेटवर्क मेरे पास, नेटवर्क तो मेरे ठीक है। दोबारा हो तो बताइए, so for complex roots d is always less than 0। abhi aa rahi hai na meri voice? ha sir aa rahi hai। for complex roots d is always less than 0 and first condition ke fx hoga positive, aapke expression ki value hogi hamesha positive agar aapka x ka coefficient positive hai, aur similarly aapka expression hamesha hoga negative agar aapka a negative hai। बट ये तब ट्रू है जब कॉम्प्लेक्स रूट्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स में दो तरीके के ग्राफ बन सकते हैं, या तो अपवर्ड पैराबोला में हमेशा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा, या फिर डाउनवर्ड पैराबोला में हमेशा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। एंड दिस एफ एक्स इज बेसिकली वाई, वाई की कैसी वैल्यूज। तो अब वापस आ जाते जरा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या था यार हमारा, द रूट्स ऑफ दिस। तो क्वेश्चन था हमारा, ये इक्वेशन दी गई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स, और साथ साथ ये दिया हुआ था ए प्लस सी इज लेस देन बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी को अगर इधर लेके आऊं तो ए माइनस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो, इज माई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन के अंदर, अगर आप x को 1 पुट करते हैं, आप अगर x को 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सपोज दिस एक्सप्रेशन इज एफ एक्स, आप इसके अंदर x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, यानी कि f1 बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर आप x की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा a माइनस बी प्लस, राइट। क्योंकि इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, तो मुझे एक बात पता है कि या तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हमेशा होगी पॉजिटिव, या तो इसकी वैल्यू होगी हमेशा नेगेटिव, राइट, क्योंकि इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं। तो या तो ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा, x एक्सिस को तो कभी टच करेगा ही नहीं, रूट्स कॉम्प्लेक्स है, या ये x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा होगा, यानी कि या तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है। मैं कैसे पता करूं ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? a से, a तो मुझे दिया नहीं है, a के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया, बट ये चीज दी है जिसको मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है जिसके सामने, इस चीज का मैंने यूज कैसे करा? अब देखो जरा मेरे साथ, मैंने f माइनस वन निकाला, जब f माइनस वन निकाला तो ये वैल्यू बन रही है वही एक्सप्रेशन जो इसने नेगेटिव दिया हुआ है,
यानी कि क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि f माइनस वन इज बेसिकली लेस देन जीरो इस एक्सप्रेशन के लिए? यस सर। और अगर एफ एक्स एक भी जगह नेगेटिव हो गया तो मुझे ये पता चल गया कि अब ये पूरा प्रॉपरली पूरा नेगेटिव ही है, अब किसी भी वैल्यू पे पॉजिटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि रूट्स कॉम्प्लेक्स है। मैं तो बस एक वैल्यू पे जानना चाह रहा था कि मुझे कैसे, मुझे या तो ये पता चल जाए कि ए का साइन कैसा है, वो तो मुझे पता चल नहीं पाया, बट मुझे ये पता चल गया कि अगर आप एक्स को माइनस वन रखते हैं इसमें एक्सप्रेशन में तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मैंने कहा इसका मतलब इसका ग्राफ ये बन रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि अगर इसकी एक बार भी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो बिल्कुल, क्योंकि अगर इसने एफ माइनस वन लेस देन जीरो दे दिया मेरे को तो अगर ये अगर किसी वैल्यू पे पॉजिटिव हो गया तो फिर इसके रूट्स नहीं हो जाएंगे क्या? इन्फॉर्मेशन अगर ऐसा है तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, यानी कि अब आप इस एफ एक्स के अंदर कुछ भी रखेंगे वो लेस देन जीरो ही बनेगा। सर ऑप्शन देख लो सर, सर अगर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो आता तो भी प्रूव हो जाता कि रूट है इसके। नहीं, अगर एफ माइनस वन ग्रेटर देन जीरो आता तो ऋषिक वहां से ये प्रूव हो जाता कि एफ एक्स पूरा टाइम पॉजिटिव है क्योंकि रूट्स तो कॉम्प्लेक्स है ही ना। अच्छा हाँ 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 यस सर, मतलब सर वो हो जाता कोई भी वैल्यू के लिए प्रूव पॉजिटिव है, किसी भी वैल्यू पे हमें पता चल जाए एक पे ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव, क्योंकि हमेशा या तो पॉजिटिव देगा या हमेशा नेगेटिव देगा। x की वैल्यू माइनस वन पे मेरे को पता चल गया है नेगेटिव है, इसका मतलब अब x की कोई भी वैल्यू रख लो उस पे ये नेगेटिव है। सर तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता फिर वो जो ऊपर की तरफ फेसिंग होता? नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों में आता, मतलब सर वो नेगेटिव रखे x को जरूरी नहीं है पर हाँ करता कट इस केस में, मतलब ऐसा लगता है y एक्सिस के कट करने का तो ये मतलब है, y एक्सिस के कट करने का ये मतलब है कि x को हमने जीरो रख के देखा तो x को जीरो रखेंगे तो किसी ना किसी वैल्यू पे कट कर जाएगा तो हाँ हमेशा ही दोनों कट करेगा, हमेशा ही दोनों क्वाड्रेंट में होगा। x को तो कुछ भी रख सकता है वहां पर क्योंकि इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है ना, x को तो जो चाहे वो रख ले तो वो हमेशा ही दोनों क्वाड्रेंट में आएगा ही आएगा, ये तो कोई बात ही नहीं। तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही होगा, ले मैं इसको भी ऐसे ही बना देता हूँ, मैंने इसको ऐसे ही बना दिया था, इसका भी कुछ ऐसे ही होगा ग्राफ। हाँ सर मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि एक्स हमेशा पॉजिटिव था, हमने यहाँ नेगेटिव रखा। नहीं एक्स को कुछ भी रख ले, पॉजिटिव नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू, अब देखो इसने मुझे एक्सप्रेशंस में क्या दिया हुआ, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में इसने मुझसे बनवाया 4a plus c minus 2b, अगर 2b को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो ऑप्शंस दिए होंगे ना इस क्वेश्चन के मैंने? यस सर दिए। तो देखो वो ऑप्शन पता है क्यों दिए गए हैं? वो इसलिए दिए गए हैं कि अब आप ये पहचान के मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या पुट करें इसमें कि ये बन जाए जो भी दे रखा है 4a minus 2b plus c, 4a minus 2b plus c, x को क्या पुट करें कि 4a minus 2b plus c बन जाए? minus 2, हाँ सर सॉरी minus 2, हाँ minus 2, अगर x को minus 2 पुट करेंगे तो देखो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 4a minus 2b plus c, और 4a minus 2b plus c हमेशा less than 0 रहेगा, यानी कि 4a plus c will be less than 2b, option b। यहाँ पे हमारा आंसर ये आ जाएगा, बट दीज वर गुड क्वेश्चन। और ये जो हैशटैग वाला रिजल्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद रखना है हमेशा कि जब भी हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो मेरे दोस्त कॉम्प्लेक्स रूट्स में दो ही सिचुएशन पॉसिबल है, या तो आपका एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव या तो आपका एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव। अच्छा मैं एक चीज के बारे में और आपका ध्यान सर इसमें हम इस पे भी कमेंट कर सकते थे, ए नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा
क्वेश्चन में, मतलब कह सकते थे कि ये नेगेटिव होगा। वॉइस कट हो गई फिर। सर अब आ रही है मेरी वॉइस? बिल्कुल आ रही है सर। मैं कह रहा था क्योंकि सर मैं एफ एक्स लेस देन जीरो पता लग गया, तो हम कह सकते हैं ए लेस देन जीरो। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अब नहीं आएगा यार, वो मेरा ना जब भी ये डिस्ट्रैक्शन आता है कॉल वॉइस कट होने का, वो कॉल आ जाता है दूसरे नंबर पे, मैंने उसको सिम को ऑफ कर दिया। अब नहीं होगा वॉइस कट, तो बिल्कुल कह सकते हैं ऋषभ के ए लेस देन जीरो होगा यहाँ पे। अब आप इस दोनों पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं और हैशटैग को भी लिख सकते हैं, बट ये बात हमेशा याद रखनी है कॉम्प्लेक्स रूट्स के केस में कि हमारा डी होता है लेस देन जीरो और वाई या एफ एक्स, दिस एफ एक्स इज बेसिकली वाई, रोशनी और उर्वशी, ऋषिक को पता है, ऋषिक ने मेरे साथ चार क्लासेस भी करी हुई है, पर आप लोग ये बात समझो कि हम ना एफ एक्स को वाई लिख लेते हैं। ये चीज हम आपको फंक्शन में सिखाएंगे, बट हम एफ एक्स को ही वाई से रिप्लेस कर सकते हैं कहीं भी। अच्छा एक और छोटी सी बात, क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? लिखते रहोगे सारी चीजें, बिल्कुल पूछ ले रोशन। एफ एक्स को हमेशा वाई से क्यों वो रिप्लेस? अच्छा बिल्कुल, यही वैसे ये चीज हम ज्यादा डिटेल में तो देख फंक्शंस में समझ पाएंगे, बट अपना ना ये काम होता है और यही हमारी लाइफ भी है। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ जब भी मैं ये टॉपिक समझाता हूँ, हमारी लाइफ भी यही है, राइट? एंड मैथ्स इज वेरी मच रिलेटेड टू आवर लाइफ, ह्यूमन लाइफ, जितने भी काम हम कर रहे होते हैं, बट कर क्या रहे हैं हम बेसिकली, हम ना दो वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं एंड दीज टू वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। अब हमारी इक्वेशन एक्स है, एक्सप्रेशन जो एक्स में लिखा है उसको वाई से मैं ये बोल रहा था, अब भी क्लियर है वॉइस? नो सर अब आ रही। अच्छा तो मैं ये बोल रहा था कि हमने जब भी कभी एफ एक्स में एक्स में एक्सप्रेशन लिखना है, सपोज मैंने ये लिखा एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो ये बहुत ही कॉमन काम है या ये बहुत ही कॉमन एक कंक्लूजन है मैथ्स का कि हम वी वांट टू चेक हाउ वन वेरिएबल इज अफेक्टिंग इफ वी चेंज अनदर वेरिएबल। हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना चाहते हैं और ये देखते हैं कि एक वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं दूसरे वेरिएबल को बदलूंगा। अब ये दो वेरिएबल्स जनरली एक्स और वाई माने जाते हैं। ऐसा नहीं है रोशनी कि हम एफ एक्स को हमेशा वाई से रिप्लेस करें, इस ऐसा नेसेसरी तो नहीं है, बट जो जनरली मान लिया गया है वो ऐसे मान लिया गया है कि आप एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो। हमें तो एफ एक्स को कोई दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना है, वो वेरिएबल जेड भी हो सकता था, वो वेरिएबल ए भी हो सकता था, पी भी हो सकता था, बट वाई डिड वी टुक वाई? क्योंकि हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, तो वो तो हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम fx को कुछ और वेरिएबल नहीं रख सकते थे। fx को y रखने का मतलब ये है कि हम fx को एक वेरिएबल ही है, हमारे लिए fx भी एक वेरिएबल है। fx की वैल्यू बदलती रहेंगी जैसे जैसे x की वैल्यू बदलती रहेंगी, लाइक f1 विल बी a प्लस b प्लस c, f2 विल बी 4a प्लस 2b प्लस c। तो ये fx एक वेरिएबल है, बस उस वेरिएबल को नाम y का दे दिया गया। अब y का ही नाम इसलिए दिया गया है जिससे कि हम उसका आराम से ग्राफ भी प्लॉट कर पाए, x एक्सिस और y एक्सिस, सिर्फ ये रीजन और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं। ओके, नोटिस वन मोर थिंग एज वेल, यहां पे देखो जब फर्स्ट केस फर्स्ट सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं, यहां पे तीन ग्राफ दिए गए हैं। x की वैल्यू तो आप जो चाहे यहां पर रख सकते हैं, पर ध्यान से देखो जरा y की वैल्यू इससे नीचे नहीं जाएगी, देख पा रहे हो ये चीज? मतलब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी अगर a ग्रेटर देन जीरो है, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है तो।
लाइक वाई से नीचे कभी नहीं जा सकता अगर ऐसा ग्राफ होता तो, या अगर ऐसा ग्राफ होगा जिसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो उस केस में वाई की वैल्यू जीरो से नीचे कभी नहीं जा सकती। सिमिलरली जब कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो वाई की वैल्यू जीरो को भी टच नहीं करेगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या आप इस चीज को नोटिस कर पा रहे हैं? सर पैराबोला के दोनों एंड्स कभी मीट नहीं करते क्या? नहीं, दोनों हल्के 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 और दूरी होते जाते हैं। सर इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करते हैं? बट इन फर्स्ट केस सम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफएक्स एग्जिस्ट, कितनी मिनिमम ये तो नहीं पता, अभी देखेंगे उसको भी कैसे निकालना है, बट सब मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स या वाई एग्जिस्ट जब अपवर्ड पैराबोला बन रहा होगा, वहीं पे ही जब डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा होगा तो कुछ ना कुछ वाई की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी। वाई नीचे तो माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है, नीचे तो ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, बट ऊपर ये यहीं पे रुक जाएगा, इसके बाद फिर से वापस नीचे आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वाले ग्राफ में जब अपवर्ड पैराबोला था तो वाई प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, मैक्सिमम तो उसका प्लस इंफिनिटी होगा, बट मिनिमम कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा ये देखते हैं, ये भी सीखना है अपन को। बट सबसे पहले तो आप ये देखो कि मिनिमम मैक्सिमम का मतलब क्या है। जब भी डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम तो माइनस इंफिनिटी होगी बट कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी किसी ना किसी पॉइंट। सिमिलरली जब भी हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बन रहा होगा तो वाई की कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू जरूर आएगी, वाई उससे छोटा नहीं हो सकता, लाइक आप एक्स को कुछ भी रख लो। कैन यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट using graph? Yes sir. Yes, sir, yes, उसको find करने के question to question या equation to equation depend करेगा ना? हाँ, minimum क्या है, maximum क्या है, ये तो equation to equation ही depend करेगा। But कुछ ना कुछ होगा, हम ये देख के बता सकते हैं। एक केस में minimum आएगा, एक केस में maximum आएगा। Like suppose मैं आपको एक expression देता हूँ। fx is equals to x square. x square के बारे में तो आपको पता है सबको। fx is equals to x square एक quadratic equation ही है वैसे कहने को। हाँ, पहले आप नोट कर लो क्या आपका बचा है कुछ जो मिनिमम जीरो हो जाएगी उसमें। देखो इसके a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 0 है, इसका a यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसकी कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, और मिनिमम इस केस में आपको पता है क्या होती है, इसकी जीरो होती है, जीरो से छोटा कभी नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हर एक उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू जरूर होगी कुछ ना कुछ, जहां पे भी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और हर एक उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू जरूर होगी कुछ ना कुछ जहां पे भी लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। हाँ जी, कैन आई रफ दिस? आप सभी लोगों ने नोट कर लिया। ओके, आज लिख ले, as soon as your turn मेरे को बता, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अपन आज ही मिनिमम मैक्सिमम तर हो गया, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ग्राफ में पड़ेगा ये सारी चीजें। चलिए अब इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बताना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी वन। चलिए 10th के कॉन्सेप्ट्स को चल के रिविजिट करते हैं। तो क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ
हम यहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो पढ़ेंगे, सारी चीजें ही पढ़ेंगे जो भी हम पढ़ सकते हैं, जितनी चीजें हमें आनी चाहिए, जितनी चीजें हम आज के अपने सिलेबस के हिसाब से, 11 12th के सिलेबस के हिसाब से हमें पता होनी चाहिए इक्वेशंस के बारे में, वो सब अपन कवर करेंगे। तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ना कि फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है हमने, हम लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। अगर आपको रूट्स गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। चलिए जी, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब हम आपको पिछले लास्ट ईयर के याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशंस में रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, फटाफट पहले तो मेरे को चलो एक एक करके बताओ। रोशनी बता मेरे को, अगर मैं इक्वेशन देता हूँ ax square plus bx plus c is equals to zero और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो तू रूट्स को कोफिशिएंट से कैसे कनेक्ट कर सकती है? हमने 10th क्लास में पढ़ा सर, अल्फा प्लस बीटा इज b by a एंड अल्फा इनटू बीटा। सर सर, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड ए इन अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स सी बाई ए। उर्वशी क्यूबिक के लिए बताएगी ये चीज, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन है और अल्फा बीटा गामा रूट्स है, आप बताओ। यस सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू डी बाई डी बाई माइनस डी बाई ए सी बाई ए माइनस गामा माइनस डी बाई ए। बिल्कुल करेक्ट बात है। चलो अब इसको जरा सीखते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसी तो होती है, सबसे पहले तो आप कोई जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन को देख लीजिए। ये हमारी कोई भी जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन ए जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा आपसे कि एक्स की सारी पावर होल नंबर होनी चाहिए तभी ये पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। पॉलिनोमियल कोई भी वही एक्सप्रेशन होता है जहां पे हमारे पास वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर बने। तो अगर ये एक्स की सारी पावर होल नंबर है तो मैं इसको जनरल पॉलिनोमियल बोल सकता हूं और मैं लिख भी रहा हूं। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, पावर्स ऑफ एक्स शुड बी होल नंबर। अगर कोई भी पावर होल नंबर नहीं है या इसके इस एक्सप्रेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सॉरी एक तो इरेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे आगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत जितनी भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बात भी नहीं कर सकते हम इसके बारे में, हमारे सिलेबस में ऐसे एक्सप्रेशन कम ही आएंगे। पावर्स ऑफ एक्स शुड बी होल नंबर एंड दीज ए जीरो ए वन से लेके ए एन तक ये सारे रियल नंबर है कुछ ना कुछ, वेयर ए जीरो की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि पहला कोफिशियंट लीडिंग कोफिशियंट कैन नेवर बी जीरो, अदरवाइज इसकी डिग्री नहीं रहेगी और इस पॉलिनोमियल की डिग्री है एन। तो इसके रूट्स भी बहुत सारे बनेंगे, कितने बन सकते हैं इसके रूट्स, पहला क्वेश्चन। एन रूट्स, एन रूट्स, जरूरी तो नहीं एन के एन रियल हो, ऐसा जरूरी है, कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ रियल भी बन सकते हैं। और हम ये भी पढ़ चुके हैं अगर कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे बता सकते हो, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा इवन पेयर में बनेंगे, है ना? हां सर, मतलब इवन नंबर होंगे ना। बिल्कुल, इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, अभी भी सिंगल कॉम्प्लेक्स रूट नहीं होगा। तो ये जितने भी रूट्स आए ना, मुझे इस बात से मतलब नहीं वो रियल है कॉम्प्लेक्स, पर मैं इन रूट्स को कोफिशिएंट से रिलेट कर सकता हूं। पहली चीज मैं लिख रहा हूं, अगर
अब इस चीज को मेरे साथ समझना है तुम्हें। तो अभी देखो तुम्हें क्यूबिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, ऐसी रोशनी ने भी पहले वाली चीज, ऑल्दो वो याद होनी चाहिए थी रोशनी, बट कोई दिक्कत नहीं। ये जो भूल रहे हो ना तो माइनस प्लस इसका एक पैटर्न है। अगर आप इसको शायद पैटर्न से याद करते तो आप ये कभी नहीं भूल पाएंगे आज के बाद। सर ये टेंथ में मैं बताया था कि वो नेगेटिव पॉजिटिव चलता है। बिल्कुल, वो नेगेटिव पॉजिटिव चलता है हमेशा, अपॉन में लीडिंग कोफिशिएंट होता है और स्टार्ट करेंगे हम उससे अगले कोफिशिएंट्स। हाँ सर, न्यूमरेटर में। चलो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड सीखते हैं। जितनी भी हमें रिलेशनशिप लिखनी हो यार, कितनी भी डिग्री की रिलेशनशिप हो, अभी तो दो और तीन की हमने डिस्कस करी है, चार पांच छह आठ दस पंद्रह बीस वट एवर, ऑल्दो हमारे पास चार या पांच से ज्यादा नहीं पूछेगा वो कभी भी, पर मैं तो कह रहा हूँ कितनी भी डिग्री की इक्वेशन हो यार, तुम सबको निकाल सकते हो, सब में रिलेशनशिप लिख सकते हो। नाउ द LHS इज, LHS में पहली इक्वेशन बनेगी S1, दूसरा होगा S2, ऐसी लास्ट वाला होगा जो भी होगा लास्ट nth, मैं ऐसे तो नंबर तो नहीं डाल के लिख पाऊंगा इसमें, लास्ट होगा SN। Now what does these S1, S2, SN mean? S1 is, ऐसी रीड करने जैसे मैं कह रहा हूं, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। आपको अगर याद हो तो आपने अल्फा बीटा, जो अभी तूने उर्वशी एक्सप्रेशन बोला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसको हम ऐसी तो बोलते थे सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। ऐसे ही S1 जो है वो है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, S2 हो गया सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, S3 हो जाता सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम। सिमिलरली SN क्या होगा, क्या आप मेरे को रीड करके बता सकते हैं इसको? सम ऑफ रूट्स n एट अ टाइम, टेकन n एट अ टाइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या होगा सर, मतलब वैसा टर्म एक ही होगा n रूट्स के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा एंड ऑफ द डे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। Now what does this mean? Sum of roots taken one at a time. आपको एक एक रूट लेना है एक बारी में, right? और उन सबका सम करना है। तो सपोज इसके रूट्स हैं अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन। सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम का ये मतलब है कि मैं एक बारी में एक रूट लूंगा और उन सबका सम लेते हुए चला जाऊंगा, यानी कि अल्फा वन से लेके अल्फा एन तक। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम का ये मतलब है कि एक बारी में दो दो रूट लूंगा, जितने पॉसिबल पेयर्स दो दो रूट्स के बना सकता हूं वो सारे बनाऊंगा। यानी कि पहले मेरे साथ समझो, पहले मैं अल्फा वन का सबके साथ प्रोडक्ट निकालूंगा। सिमिलरली मैं अल्फा टू का सबके साथ प्रोडक्ट निकालूंगा, अल्फा थ्री का प्रोडक्ट निकालूंगा सबके साथ, और चलते चलते लास्ट में पहुंच जाऊंगा अल्फा एन माइनस वन और अल्फा एन के प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम का ये मतलब हो जाता, तीन तीन रूट्स को मल्टीप्लाई करता, तीन रूट्स एक बारी में लेता, जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट बन सकते थे सबका सम निकाल लेता। सम ऑफ रूट्स टेकन एन एट अ टाइम का मतलब होता सारे के सारे रूट्स एक ही बारी में लेना, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन का प्रोडक्ट। अभी रुक जाओ, ये चीज और अच्छे से समझ आ जाएगी ना, इसी चीज को आपको क्यूबिक और उस पर लगा के दिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो इजी है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पे हम इस चीज को लगा के दिखाएंगे आपको। तो अल्फा वन से लेके अल्फा एन तक का सम, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन S2, तीसरी इक्वेशन S3, S4 अप टू SN, उतनी ही इक्वेशंस बनेंगी जितने होंगे रूट्स। अगेन उतनी ही इक्वेशन बनेंगी जितने होंगे रूट्स। बनना कैसे स्टार्ट होंगी? S1 सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, एक एक करके सबका सम निकालो, दो दो करके सबका सम निकालो, तीन तीन करके सबका सम निकालो, चार चार करके सबका सम निकालो, n n लेके सबका सम निकालो। n को एक ही बारी में अगर आप ले रहे हो तो n ही रूट्स हैं, तो एक बारी में n के n सारे के सारे ले लिए। अब कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है कि n रूट्स को आप ले पाओ। राइट हैंड साइड को कैसे लिखते हैं? ये तो लेफ्ट हैंड साइड का पैटर्न है। राइट हैंड साइड को लिखने का पैटर्न ये है कि राइट हैंड साइड में आएगा एक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में जो भी नीचे आएगा वो होगा हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट। सबके फ्रैक्शन में हमेशा नीचे लीडिंग कोफिशिएंट ही आएगा।
साइन ओवर स्टार्ट माइनस, साइन को भी छोड़ दो, अब न्यूमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमिनेटर में आएगा कोफिशियंट ए, ए जो भी लीडिंग कोफिशियंट से अगला कोफिशियंट है पहले उससे स्टार्ट होगा, यानी कि पहली इक्वेशन में आएगा ए वन, दूसरी में आएगा ए टू, ऐसी लास्ट वाली में आएगा ए एन। देख लो एनी इक्वेशन है और एनी ये हमारे पास ए वन से लेके ए एन तक कोफिशियंट होंगे। साइन स्टार्ट होगा माइनस से, सर साइन के लिए हम ऐसे कह सकते हैं माइनस वन की पावर वन से लेके एन तक मतलब चलेगी कैसे, साइन स्टार्ट होगा माइनस से और अल्टरनेटिवली चेंज होता चला जाएगा। पहली इक्वेशन अगर नेगेटिव थी हर बार नेगेटिव ही होगी, पहली माइनस टाइम्स आएगा, पहली इक्वेशन में माइनस लगेगा तो दूसरी में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लास्ट वाली में माइनस वन की पावर एन बन जाएगा। जैसे कि अभी ऋषिक ने बोला बिल्कुल सही है कि ये माइनस वन की पावर वन से स्टार्ट हुआ है, माइनस वन की पावर टू विल बी पॉजिटिव, माइनस वन की पावर थ्री विल बी नेगेटिव, माइनस वन की पावर फोर विल बी पॉजिटिव। तो हमें नहीं पता है कौन सा नंबर आ रहा है, इसका ऑड है या इवन है, कितने रूट्स हैं इसके। अगर 10 रूट होंगे तो यही लास्ट वाला एक्सप्रेशन में पॉजिटिव से एंड हो गए, अगर 11 रूट होंगे इक्वेशन के यानी कि इसकी डिग्री 11 है तो ये नेगेटिव से एंड होगा। ये इसका पैटर्न है रूट्स और कोएफिशिएंट का, पहले इसे नोट करो, हम इसे अप्लाई करके देखते हैं क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक, तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। और हैंड रेस कर लो जिसने नहीं लिखा है। अच्छा कर दूं मैं रख, आइए इसी चीज को क्यूबिक इक्वेशन पे लगाते हैं। क्यूबिक इक्वेशन पे लगाने के लिए मेरे को कोई भी जनरल क्यूबिक इक्वेशन मैं ऐसे ले लेता हूं, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, मैं एस वन लिखूंगा यानी कि सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, एक एक बार ही सारे रूट्स लिए और उन सबका सम निकाल लिया, एक एक के जितने पेयर बना सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एस टू लिखा, तीन इक्वेशन बननी चाहिए थी क्योंकि तीन रूट्स हैं, देखते हैं एस टू एस थ्री। एस फोर में बना ही नहीं सकता, एस फोर इसलिए नहीं बना सकता, वो कह रहे हैं सम ऑफ रूट्स टेकन फोर एट अ टाइम, चार रूट्स एक बार ही मिलो, रूट ही तीन है चार कैसे लोगे, तो एस फोर इज नॉट पॉसिबल हियर। नाउ एस टू, दो दो का प्रोडक्ट निकालो, जितने प्रोडक्ट्स ले सकते हो सारे ले लो, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तीसरी इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, तीन तीन रूट्स के जितने ट्रिपलेट बना सकते हो, एक ही बन सकता है, इसीलिए उस लास्ट वाली इक्वेशन में सबका प्रोडक्ट। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, पहली इक्वेशन विल ऑलवेज बी सम ऑफ रूट्स, सारे रूट्स का सम, और लास्ट इक्वेशन विल ऑलवेज बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हाँ जी, पहली चीज अपॉन में ए, सबके लीडिंग कोएफिशिएंट ए, स्टार्ट होगा माइनस प्लस माइनस, अगला यहाँ पे न्यूमरेटर में कोफिशियंट, ए से आगे जो कोफिशियंट है वहां से शुरू करो, बी सी डी जहां तक है लिखते चले जाओ, खुद ही बन जाएगा। बाइक्वाड्रेटिक के लिए मैं फिर से लगाने गया इसको, बाइक्वाड्रेटिक के लिए देखो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आपको समझ आएगा कि जब हम एन इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा उसको लिखना, पर पहले मुझे यहां तक बताओ कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन। This is delta. We read this as delta. ये भी ग्रीक लेटर ही है। सर पावर फाइव में हम क्या लेंगे, फिफ्थ? पांच फाइव ले सकते हैं वैसे लेने को, बट वैसे फिर हम जब हमारे पास इतने बढ़ते रहते हैं नंबर्स तो हम अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव ले लेते हैं, दैट इज अ बेटर वे। ग्रीक ऑर्डर के हिसाब से वैसे फाइव आता नहीं, कुछ कुछ नहीं आता, मतलब ये चार ही नंबर्स होते हैं जनरली, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर भी चार तक ही आते हैं।
हाँ जी, अब रोशनी S1 बता दे मेरे को क्या बनेगा, पूरी इक्वेशन कंप्लीट करिए S1 वाली, ट्राई कर। सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए? ऐसी सोच, अपॉन में क्या होगा पहले बता। सर लीडिंग कोएफिशिएंट ए। बिल्कुल, स्टार्ट किससे होगा, साइन के साथ माइनस होगा, माइनस होगा और ऊपर न्यूमरेटर बी, जो भी ए से अगला कोएफिशिएंट होना चाहिए यानी कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। उर्वशी सेकंड को कंप्लीट कर। यस सर। सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा। अब देख जब तू ऐसे जाएगी ना तो तू फंस जाएगी, मतलब कि तुझे बार बार गिनना पड़ेगा कि कितने पेयर्स बन सकते हैं। तेरी बात सही है, जहां हम ऐसे भी सकते हैं उर्वशी, बट थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं। पहले अल्फा के जितने दो दो के पेयर्स बन सकते हैं पहले सारे वो बन। अच्छा। तो जैसे तूने पहले अल्फा बीटा बोला, अब इसके बाद बता अल्फा का और कौन कौन सा पेयर बन सकता है? अल्फा गामा। करेक्ट। अल्फा डेल्टा। अब अल्फा का काम खत्म, अल्फा को हटा दे पिक्चर से, अल्फा का कोई और पेयर नहीं बन सकता। अब बीटा के पास चलते हैं, बीटा का कौन कौन पेयर बन सकता है? बीटा गामा। बीटा गामा और बीटा डेल्टा। बीटा डेल्टा, बीटा का भी काम खत्म। अगला गामा डेल्टा। गामा डेल्टा क्या इसके बाद भी पॉसिबल? नो सर। ऐसे हमें पता चल जाएगा आसानी से, अदरवाइज अगर हम ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो उसमें हम देखते रह जाएंगे कि यार कोई है तो नहीं गया पेयर। अब इसमें हमें पता है कि नहीं रहा, हमें पता है ठीक है। अब इसका राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? सी बाय ए। सी बाय ए करेक्ट। ऋषिक नेक्स्ट S3। हेलो ऋषिक, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइस? रोशनी उर्वशी? यस सर। यस सर। ये पता नहीं कहां गया लड़का। चलो S3 बनाते हैं, तीन तीन के पेयर्स लेने। तो इस बार हम दो को फिक्स कर देते हैं, अल्फा बीटा के देखते हैं पहले किस किस के साथ पेयर बन सकता है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा। अब अल्फा बीटा का तो किसी के साथ नहीं बन सकता, तो मैंने फिर से शुरू करा सर। अब अल्फा गामा डेल्टा। अल्फा गामा डेल्टा, अब मैंने दूसरे वाले को चेंज कर दिया, बीटा की जगह सिर्फ गामा कर दिया, तो ये हो गया अल्फा गामा डेल्टा। अब अल्फा का किसी के साथ पेयर नहीं बन सकता, अब अल्फा का सारे पेयर खत्म। अल्फा का बीटा गामा के साथ भी ले लिया, बीटा डेल्टा के साथ भी ले लिया, गामा डेल्टा के साथ भी ले लिया, तो अल्फा को हटा दो। अब क्या बचा? बीटा गामा डेल्टा। सर बीटा गामा डेल्टा। बिल्कुल, क्या होना चाहिए राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन? सर माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाई ए करेक्ट है, बिल्कुल। हाँ जी S4, चार रूप से चारों को एक साथ लेना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। बिल्कुल, इज इक्वल्स टू ई बाई ए। कभी कभी इक्वेशन में ऐसा हो सकता है x क्यूब का कोफिशियंट ही ना हो। आप ये मत भूलना कि भाई हमने तो सर ने कहा था x की पावर 4 से आगे फिर जो अगला कोफिशियंट आएगा, अगला कोफिशियंट से मेरा मतलब ये है कि x की पावर 4 तो x क्यूब का अगला कोफिशियंट आएगा, तो उस केस में आप x क्यूब का कोफिशियंट 0 लेके भी चलेंगे। अगर आपको इक्वेशन कभी ऐसी देती जहां पे कि x क्यूब का कोफिशियंट ही नहीं है और x की पावर 4 पे आप ये चीज लगा रहे थे, तो आप x क्यूब का कोफिशियंट लिख लेना 0 होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ आई? S5 तो बनेगा ही। Yes, sir. Yes. रोशनी उर्वशी क्या ये बात समझे किस तरीके से रिलेशनशिप कैसे लिखते हैं? हम किसी
जब रिलेशनशिप को लिख जाएंगे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ तब हम बात करेंगे। अब हम रूट सागर में, अच्छा मैं बस ये बोल रहा था कि अभी आज हमने रिलेशनशिप सीखी है, अब कल हम इससे इक्वेशन बनाना सीखेंगे वापस, ठीक है? यस सर। यार आज बहुत बारिश बारिश हो रखी है, बारिश हुई है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ऋषिक कहाँ गायब है तू, तुझसे मैंने क्वेश्चन पूछे? अरे नहीं सर, वो सर मैं लेने गया था सर, मेरा चश्मा आ गया था तो एक्चुअली सर मैं ना सर पिछले हफ्ते बिना चश्मे के चला रहा था, मेरी पावर है जबकि 4, तो सर दिक्कत हुई सर, उन्होंने गलत चश्मा बना दिया मेरा और फिर उसके बाद फिर से बनने गया। थैंक यू सर। ओके।